कैसे हम 101% अपने सीए फाउंडेशन को क्लियर करें। और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस चीज को समझना आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, इसको जरा समझना। जिनका हो सकता है कि अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, झोलमोल में 30-40% हुई है, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो ये आपने कर लिया, कोई आपको नहीं रोक पाएगा, 101% क्लियर हो जाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप के जो पेपर्स हैं, सर क्या लिख रहे हो हमें पता, लेकिन तुम भूल जाते हो ना, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, यही तो पेपर हैं आपके। अरे सर देखने में लगते हैं ये चार पेपर हैं, हमसे पूछो ये कितने पेपर हैं, चार ही पेपर देते हैं, कोई समझाओ आईसीआई को कि हम अपना दुख किसको समझाएं। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो जो आज बताने जा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। देखो अकाउंट्स के अंदर समझो, अकाउंट्स में अगर आपने मॉड्यूल कर लिया जिसमें आपके कौन से चैप्टर आते हैं, भाई साहब एनपीओ आते हैं, इसमें आपका फाइनल अकाउंट्स आता है, फिर इसमें आपका आता है कौन सा पार्टनरशिप आता है, फिर इसके अंदर आता है कौन सा इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट्स आता है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर। भाई ये चार चीज़ें तो आप 11th 12th के अंदर करके आ ही रहे हो, कोई इसमें नया नहीं है भाई। ये तो या तो आपने बीकॉम में कर लिया या आपने 11th 12th के लिए कर रहे होगे, कहीं ना कहीं तो इनको किया हुआ है। बस आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल जो है सीए में क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह की एडजस्टमेंट आ रही है, कहाँ बच्चा फंसता है कहाँ नहीं फंसता। ये चार चैप्टर एग्ज़ाम के अंदर इकलौती वेटेज लगते हैं लगभग 50 नंबर की सर, जी हाँ 50 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो अगर हम इस समय अपनी बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अकाउंट्स के अंदर अपना साथ में फोकस करना चाहिए मॉड्यूल के ऊपर, क्योंकि ये चार चैप्टर हमारे वहाँ से लिपट जाते हैं और हमें इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरी बात को समझे, इस मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप पैरेलल तैयारी करो। भाई ट्रेन देखिए, आपने ट्रेन की जो पटरी होती है दो पटरियाँ पैरेलल चल रही होती हैं, अगर एक पटरी चले दूसरी पटरी ना हो तो क्या ट्रेन दौड़ा पाओगे, नहीं दौड़ा पाओगे। सेम वे आपको ये पैरेलल थ्योरी को समझना पड़ेगा कि भाई बीकॉम के एग्ज़ाम है, नहीं करी पढ़ाई, नहीं लग रहा था मन, लेकिन पास तो होना है। ये जो सामाजिक वो बना लिया है फोबिया कि भैया सीए कर रहे हैं, लोगों को बता दिया है चिल्ला चिल्ला के, पास तो होना है या नहीं होना है, होना है ना। तो हमें सबसे पहले अकाउंट्स में समझ में आ गया कि मॉड्यूल 2 है, दिस इज़ द राइट टाइम टू फोकस ऑन द मॉड्यूल। फोड़ के रख दो अपना मॉड्यूल के ऊपर, सारा का सारा फोकस होना चाहिए, 50 नंबर अपने यहाँ पर जो है 101% सिक्योर हो जाएंगे। फिर सर अब आ जाओ लॉ के ऊपर, इसका क्या करें सर, ये सबसे बड़ी दुखती दर्द है, लॉ के अंदर क्या करें थोड़ा सा हमको समझाओ सर। जो बच्चे बीकॉम के एग्जाम दे रहे हैं वो लॉ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनका लॉ सब्जेक्ट बीकॉम के अंदर होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप। तो यहाँ पर अगर लॉ पढ़ोगे तो वहाँ के लिए भी तैयार हो जाएगा। सीए के लिए पढ़ाई नहीं छोड़नी, ये बात ध्यान रखना, एक दिन भी मत छोड़ देना, चाहे रोज 3 घंटे पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ जाओ 4 से 7 की पढ़ाई करो, चाहे रात को 10 बजे से सुबह 1 बजे की पढ़ाई करो, लेकिन सीए के लिए आपको एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। सीए के अंदर ये सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी, नॉट इवन अ सिंगल डे दैट यू कैन लीव योर स्टडीज, एक दिन छोड़ा समझो 100 दिन का काम गया, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये बात ध्यान रखनी है हर बच्चे को। समझ में आ गया आपको, येस और नो? अब अगली चीज क्या होनी चाहिए, अगली चीज मैथ स्टैट्स एलआर, इसको कैसे निपटाएं सर, इसमें निपटाना है स्टैट्स। मैं तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता बता के परेशान हो गया हूँ, तुम लोग पकड़ते हो सीधे मैथ्स। अरे मैथ्स में ठीक है लियाना नंबर अगर तुम्हें 80-90-100 लाने हैं, लेकिन 80-90-100 लाने वाले को भी पहले 50 लाने पड़ते हैं, तब जाके उसके 80-90-100 आगे आते हैं। सबसे पहले उठा लो दुखती दर्द को, स्टैट्स को। तुम्हें लग रहा है ना जितनी आसान है तो उतनी ही आसान, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी आएगी, प्रॉपर्टीज आएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप ये समझ लो किसी भी लाइन किसी भी सिंगल वर्ड को पकड़ के वो थ्योरी क्वेश्चन डेवलप कर देते हैं एग्जाम के अंदर, और उसको समझने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। स्टैट्स के कोर्स के लिए मैं एकदम स्ट्रिक्टली सबको कहूँगा, मुकेश सर की एक भी क्लास मत छोड़ देना, और अगर कोर्स नहीं लिया है तो मुझे आज हर बच्चा बता दे कि 2000-3000 रुपये बचा करके अगर 6 महीने लग गए
6 महीने लग गए तो वो 6 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 3000 रुपये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज मुझे इस बात का जवाब दे देना, रात को इंट्रोस्पेक्शन करना, डंके की चोट पे कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर इससे अच्छा स्टैट्स का कोर्स तुम्हें मिल जाए ना तो मैं लिख के दे देता हूँ 200% फीस वापस करूंगा, 100% फीस वापस नहीं करूंगा। स्टैट्स में 40 में से 40 अगर आपको लाने हैं तो, नहीं लाने वही पढ़ना है, अरे गरे बस समझ गए ना, तो फिर ले आना 20 नंबर 21 नंबर, रोते रहना, 6 महीने बाद अटेम्प्ट दोबारा दे देना। हमारी तो हिस्ट्री हो चुकी है, एक अटेम्प्ट बच्चा फेल होता है, सेकंड अटेम्प्ट ग्रूमिंग आता है, फिर पास होता है। तो वो ड्राई क्लीनिंग का काम करना शुरू कर दिया है ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने सीए वालों के लिए। तो स्टैट्स पढ़नी और एलआर पढ़नी है, इस पर फोकस कर लो। और अगर मुकेश सर की लाइव क्लास कर रहे हो तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक, ये तो तुम्हें लगता है कि एकदम वो क्या बोलूँ उसे, छोटा बच्चा नहीं होता जिसे गोदी में खिलाना होता है, ओ जैसे मर्जी नचा लिया, जैसे मर्जी बोल लिया। अरे भैया 100 नंबर का पेपर है, एग्रीगेट इसी से बनेगा, लिख लो इसके ऊपर। ये जो तुम्हारा एग्रीगेट बनने की थ्योरी होती है ना, या जो तुम्हारा मन होता है कि 250 लिया हूँ 300 लिया हूँ, वो किसके दम पे लाओगे? वो इसी पेपर के दम पे लाओगे, समझ गए मेरी बात। इसको बहुत अच्छे से करना है। क्या पढ़े सर? परफेक्ट रिविजन बुक। जो परफेक्ट रिवीजन बुक है सिर्फ उतना कंटेंट कर दो, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, वीडियो लेक्चर देखने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम्हें लगता है सब कुछ आता है। तो सिर्फ परफेक्ट रिवीजन बुक में जो कंटेंट है ना, उसको बहुत अच्छे से कर लो, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए बता दिया। पीआर बुक कितनी देर पढ़नी है? रोज़ 15 मिनट पढ़ लो बस, इकोनॉमिक्स की रोज़ 15 मिनट। अगर रोज़ 15 मिनट भी पढ़ ली, मोर देन सफिशिएंट है, 100 में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि वो हर पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बन सकता है वो पीआर बुक के अंदर ईको पे कवर अप किया गया है। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी हो, परफेक्ट प्रैक्टिस ले लेना। तो ये आपने कर लिया, कोई आपको नहीं रोक पाएगा, 101% क्लियर हो जाओगे।